युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। बांदीकुई में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय पुरुष अधिकार और सम्मान सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में एक रैली स्थानीय गांधी पार्क से उपखंड कार्यालय तक निकाली गई। रैली के अंत में अखिल भारतीय पुरुष अधिकार एवं सम्मान सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष विनेश कुमार, जिला संगठन मंत्री मोतीलाल मीणा और जिला मीडिया प्रभारी सीताराम योगी के नेतृत्व में एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम दिया गया। इस ज्ञापन में आयोजनकर्ताओं ने पुरुष आयोग बनाने सहित पुरुषों की भलाई के लिए अन्य नियम बनाने की मांग की। अध्यक्ष विनेश कुमार ने बताया कि हमारा संगठन महिलाओं के खिलाफ नहीं अपितु पुरुषों के खिलाफ हो रहे गलत निर्णयों के बारे में है। साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाओं की बेहतरी के लिए महिला आयोग, यहां तक कि पशुओं के लिए पशु आयोग बने हुए हैं, लेकिन अभी तक पुरुषों की भलाई के लिए किसी सरकार ने कोई भी आयोग या संगठन नहीं बनाया है। हमारी मांग है कि पुरुषों की समस्याओं को भी ध्यान में रखकर सरकार जनहित में निर्णय करे। हमारी ये मांग है, समय की मांग है कि पुरुष आयोग बनाया जाए। जानवरों तक के लिए आयोग है कुछ ना कुछ कानून, लेकिन आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। देश में नहीं, पूरे संसार में पुरुष दिवस मनाया जाता है। भारत की विडंबना है कि संसार में पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा होने के बाद ही भारत में से नहीं मनाया जाता। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग, पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए और जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाया जाए। सभी देशों में जेंडर न्यूट्रल लॉ है। भारत देश एक ऐसा देश है जहां लिंगों के आधार पर कानून बनाया गया है। हम चाहते हैं लिंगों के आधार के कानून को हटाकर, क्योंकि अपराधी कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, थर्ड जेंडर हो सकता है। तो अगर लिंग के आधार पर आप कानून बनाओगे तो देश बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाएगा। और समय की मांग है, दिनों दिन देखा जा रहा है कि महिलाएं, कुछ महिलाएं झूठे केस कर करके आदमी आत्महत्या कर लेते हैं। उन केसों के कारण एक बार केस लगने के बाद वो उसकी लाइफ कम से कम 5-7 साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो केस जीत भी जाता है तो उसकी जो खोई हुई इज्जत है वो ना तो लौट पाती है ना कोई बात हो पाती है। मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मैं चाहूंगा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम पूरे देश में इसका आंदोलन करेंगे। अभी हमारे पास हो सकता है 5 पुरुष हैं, हमारे पास 5,000 पुरुष भी आएंगे, जल्द आएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राम राज्य से लेकर आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसने पुरुष के लिए संघर्ष करा, जबकि पुरुष महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं। हम चाहते हैं महिला भी हमारे साथ आए। एक बात तो देखेंगे, अगर दहेज का कानून बनाया गया है, दहेज कानून में अगर महिला पुरुष के ऊपर लगाया जाता है, आप उसकी बहन पे भी लगाया जाता है, तो वो भी तो महिला ही है। कुछ महिलाओं को साइड कर दिया जाता है। बस यही कहकर मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पुरुष कार्य और पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।